सब्सक्राइब करें ज्ञानी इनफ चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन देखने के लिए ऑटो एंड टेक वीडियो सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, ये मेरा चैनल ज्ञानी इनफ लेकर आया हूँ आपके लिए ऑल न्यू ऑडी 2018 का एक्चुअल लुक, हाउ द कार लुक्स इन रियलिटी। तो जैसे हम लोग हमेशा गाड़ी के फ्रंट से शुरू करते हैं, तो आप इसका ये फ्रंट प्रोफाइल देख रहे हो गाड़ी का, थोड़ा पास से देख लेते हैं। पहले इसके जो हेडलैम्प्स हैं वो आप देख लीजिए, ये बाकी जो वॉशर्स हो गए आपको हेडलैम्प्स के वो आपको मिल जाते हैं। जैसे आप लॉन्ग रूट पे कहीं पे जा रहे हो अगर, तो ये काफ़ी अच्छी आपकी हेल्प रहती है। जो अगर आप डर्टी हो जाते हैं, डस्टी हो जाते हैं, तो आप इसको साफ कर सकते हो इसके थ्रू। नीचे अगर देखते हैं यहाँ पे, तो हनीकॉम शेप में पूरा आपको जो स्ट्रक्चर मिल जाता है इनबिल्ट, जो इसके बम्पर है उसके अंदर, और नीचे आप देखते हो पूरी जो सिल्वर जो क्रोम फिनिश पे पूरी लाइनिंग मिलती है जो कट करती है इसको बीच से, बहुत बढ़िया लुक देती है पूरी गाड़ी को और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लुक देती है। आगे से जो इसकी ग्रिल है वो तो आप जानते हैं, ऑडी की रेनाउंड ग्रिल, तो पूरा आपको जो ऑडी का जो ब्रांडिंग है, जो रेनाउंड लोगो है वो मिलता है। बाकी आपका नीचे पूरा आप देख रहे हैं यहाँ पे जो पूरा डिज़ाइन हो गया, और जो क्रोम फिनिश मिलती है बहुत अच्छी लगती है, अट्रैक्टिव लगती है। अब एक एज अ होल लुक दे देता हूँ पूरी गाड़ी का, तो आपको एज अ होल पूरा आइडिया लग जाएगा कि पूरी गाड़ी एज अ होल कैसी लगती है। चलेंगे इसके व्हील्स के पास। जो व्हील्स जैसे आप देख रहे हैं आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं इसमें, सिल्वर अलॉयस पे आपको इसका पूरा जो स्ट्रक्चर है वो मिलता है। यहाँ पे आप इसके जो ORVM है वो देख रहे हैं, तो वाइट और नीचे आप ब्लैक इंसर्ट्स, और नीचे आपका जो पूरा स्वैपिंग LED इंडिकेटर्स हो गए वो आपको मिल जाते हैं। दोस्तों बात करते हैं इसका जो हैंडल्स हो गए गेट खोलने के लिए, आपका जो डोर खोलने के लिए, तो जो हैंडल्स हैं वो आपको पार्ट बॉडी कलर और पार्ट क्रोम पे मिल जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, देखने में बहुत अच्छा लगता है ये चीज़, और काफ़ी एक अलग डिज़ाइन रहती है ऑडी की वैसे भी दूसरी कंपनियों से, तो कोई डाउट नहीं है इसमें। बाकी अब चलेंगे गाड़ी के पीछे, और पीछे से पूरा जो इसका एक लुक है वो आपको दे देता हूँ मैं। तो आपको विंडो लाइंस पे और डोर लाइंस पे पूरा जो क्रोम लाइनिंग्स है इंसर्ट्स हैं वो मिल जाती है। साइड से हो गया पूरा गाड़ी। अब पीछे से आ गए हम लोग, तो पीछे आप देखते हो तो पूरा आपको LED इंसर्ट्स पे पूरी ये जो बाइक गाड़ी है, जो बैक लैंप्स का जो क्लस्टर है, स्ट्रक्चर है, वो पूरा आपको मिल जाता है। एफिशिएंसी बहुत अच्छी रहती है अगर LED का यूज़ होता है किसी चीज़ में, तो आप जानते ही होंगे। और पीछे आप देखते हो जो A6 जैसे मैंने आपको बताया, उसकी ब्रांडिंग 35 TDI, और नीचे आपको एक पूरी एक क्रोम की लाइनिंग मिल जाती है जो बहुत ही ब्यूटिफाई करने में बहुत अच्छा काम करती है। इसको आप खोल के देख लेते हैं, तो ये आप जैसे देख रहे हैं पूरा ऑटोमेटिक आपका ये ओपन हो गया है बूट। और अब चलेंगे अंदर से, जो इसकी स्पेस है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये सेडान गाड़ी है, तो स्पेस का कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी खासी आपको इसके अंदर स्पेस मिल जाती है। दोस्तों इसमें आपको कुछ टेलगेट बंद करने के लिए कोई बटन नहीं है, आपको अपने हाथ से ही इसको बंद करना पड़ेगा। बाकी जो आपका बैक कैमरा हो गया, पार्किंग वगैरह में जो आपको हेल्प करेगा वो आपको मिल जाता है। दोस्तों दूसरी साइड से भी पूरी गाड़ी दिखा देता हूँ आपको। तो ये इसका दूसरा साइड देख रहे हैं पूरा। तो दोस्तों ये इसका एक्सटीरियर लुक मैंने आपसे पूरा शेयर कर दिया, जो मेरा बेसिक मोटिव रहता है वीडियोस लाने का आप लोगों के लिए, कि आपको कार हो या बाइक हो, उसका पूरा जो कार का एक्सटीरियर इंटीरियर हो गया, और जो नॉर्मल जो डे टू डे जो यूसेज फंक्शंस होते हैं वो सारे मैं आपको बता सकूं, शेयर कर सकूं, तो वो सब मैं आपसे कवर करने की इसमें वीडियो में भी कोशिश करूंगा। अब दोस्तों चलेंगे गाड़ी के अंदर, और अंदर से जो इसका इंटीरियर है वो पूरा देखेंगे, और इसमें क्या क्या फीचर्स और क्या क्या फंक्शनैलिटी मिल जाती है उसके बारे में आपको जानने और देखने को मिलेगा। तो लेट्स गो इनसाइड द कार। तो दोस्तों अब मैं ऑडी A6 2018 के अंदर से आपसे बात कर रहा हूँ। ये अंदर का पूरा आप जो डैशबोर्ड है, पहले उसका आप अच्छे से पूरा लुक ले लीजिए, तो आपको इसका डिज़ाइन का पूरा आइडिया लग जाएगा कि गाड़ी अंदर से एज अ होल फ्रंट से कैसी लगती है। इसके बारे में जैसे हम लोग हमेशा शुरू करते हैं, पहले इसकी जो डोर्स हैं वो देख लेते हैं। दो विंडो आपकी जो विंडो टॉगल्स हो गए अप डाउन करने वो मिल जाते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। इसके अलावा आपके जो ORVM हो गए वो मिल जाते हैं यहाँ पे, ORVM आपको जो एडजस्ट करना वो आप यहाँ से कर सकते हो। बाकी जो आपके लाइट की कंट्रोल्स हो गए वो आपकी फंक्शनिंग यहाँ मिल जाती है। ये आपके AC वेंट्स हो गए यहाँ पे आप जैसे देखते हो, और सिल्वर फिनिश के साथ साइड्स में मिलते हैं, तो देखने में बहुत अट्रैक्टिव लुक देता है पूरा, और थोड़े से टिल्टेड हैं ड्राइवर्स की तरफ, तो आपको बहुत बढ़िया इसमें एयर फ्लो मिलेगा। इधर आप देखते हो आपकी जो मेमोरी फंक्शन है वो आपको मिल जाता है। ये आपका डोर लॉक अनलॉक जो बटन है वो आपको मिलता है डोर के ऊपर। टोन की बात करते हैं अगर, तो ओवरऑल आपको 3 टोन में पूरा ये इंटीरियर मिलता है। ये ब्लैक हो गया, ये लेदर फिनिश हो गई, ये आपको यहाँ पे पूरा वुडन वर्क थोड़ा सा दिया गया है, और जो आपकी डोर नॉब्स हैं खोलने के लिए, डोर हैंडल्स हैं, वो आपको सिल्वर फिनिश पे मिल जाते हैं।
अब दोस्तों चलेंगे इसके जो मेन मीटर्स हैं उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हो कि बीच में आपको एक अच्छा खासा डिस्प्ले मिल जाता है, बाकी जो आपका आरपीएम मीटर हो गया और आपका जो स्पीडोमीटर हो गया वो आपको मिल जाता है इधर। ये बाकी जो कूल हॉट हो गया, टेम्परेचर मतलब हो गया, और ये आपका फ्यूल गेज हो गया। तो ओवरऑल पूरा इन्फॉर्मेटिव डिस्प्ले आपको मिलता है, इन्फॉर्मेटिव पूरा जो क्लस्टर है वो मिल जाता है, और आपको जितनी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होती है गाड़ी में ड्राइवर के लिए वो सारी आपको कंप्लीट मिलती है इसमें। अब दोस्तों इसका जो टॉगल्स हैं वो देख लेते हैं। तो आपका ये हो गया इंडिकेटर का टॉगल, ये हो गया वाइपर का टॉगल, नीचे आप देखते होगा तो क्रूज़ कंट्रोल का टॉगल हो गया, ये आपके पैडल शिफ्टर्स आपको मिल जाते हैं। चलते हैं इसकी स्टेयरिंग देख लेते हैं अब। तो ओवरऑल आप देख रहे हो डिज़ाइन स्टेयरिंग की, बहुत ही स्टर्डी और बहुत ही बढ़िया स्टेयरिंग आपको इसमें मिलती है। डिज़ाइन आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे जो अटैचमेंट्स दिए गए हैं नीचे, और ये जो ग्लॉसी ब्लैक फिनिश दिया गया है सिल्वर इंसर्ट्स के साथ साइड में, बहुत अच्छा लगता है। और बैठने में गाड़ी में वैसे भी बहुत बढ़िया लगता है, ऑडी में क्वालिटी टॉप नॉच होती है, कहीं कोई डाउट नहीं है इसमें। अब दोस्तों जो इसका मिडिल कंसोल है, पहले मैं पूरा आपको वर्टिकल लुक दे देता हूँ तो आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि एज अ होल मिडिल कंसोल इसका कैसा लगता है। ये दोस्तों जो आपका जो स्टैंड आउट जो एक बोल सकते हैं आप, जो डिस्प्ले है आपका, जिसमें आपका जो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो गया, मीडिया सिस्टम हो गया, टेलीफोनी करनी है आपको, मीडिया एक्सेस करनी, वो सब आप जो इसके थ्रू करते हैं वो आपको मिल जाता है। तो आपको इसका मैं थोड़ा सा डिज़ाइन दिखाना चाहता हूँ कि जब आप गाड़ी अगर जब आप अपना स्टॉप स्टॉप स्विच जो है वो प्रेस करते हैं, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जो आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम है वापस से अंदर चला जाता है, तो बहुत बढ़िया क्लीन लुक आता है पूरी गाड़ी में। और आपको देखने में भी लग रहा होगा कि जो ओवरऑल फंक्शनैलिटी होती है इसकी बहुत ही स्मूथ होती है। वापस जब आप गाड़ी ऑन करते हैं तो आपका जो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है वो एज इट इज़ आपको बाहर मिल जाता है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी स्पेशली इस गाड़ी के अंदर, कि जो स्मूथ इंटरफेस है, पूरा स्मूथ तरीका है पूरा अंदर जाने का, बहुत अच्छा है, अनमैचेबल है। यहाँ पर आप अपना जो एसी वेंट्स हैं वो देख सकते हो यहाँ पर इधर, और काफ़ी चौड़े एसी वेंट्स हैं, आपको एयर क्वालिटी बहुत बढ़िया मिल जाएगी। यहाँ पे जो आपके एसी कंट्रोल्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ये आपके जो एसी कंट्रोल हो गए, बाकी जो आपका SD1 हो गया, SD2 हो गया, और आपका सीडी इंसर्ट है वो आपको ये ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के ऊपर मिल जाता है। अब अगर दोस्तों बात करते हैं बटन्स की, तो ये आपका जो पार्क असिस्ट हो गया ये मिलता है, ASR मोड हो गया वो मिल जाता है, और अगर बाकी जो इसका गियर एरिया हो गया वो आप देख लीजिए पूरा ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में, साइड्स में आपको डस्की ब्लैक फिनिश मिलती है। यहाँ से आप अपना जो पूरा इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो पूरा कंट्रोल कर सकते हो। ये आप देख रहे हैं जो आपके टाइपिंग पैड हो गया, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे मैंने कर रहा हूँ टच पैड, आप समझ लीजिए यहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हो, ये देख रहे हैं आप। तो ये आपका जैसे रेडियो एक्सेस हो रहा था, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक हो गया, ये आपका ऑटो होल्ड हो गया, ये आपका जो गियर इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है, ये आपका स्टार्ट स्टॉप बटन हो गया, यहाँ से अपना ट्रैक फॉरवर्ड वॉल्यूम वगैरह यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो। पीछे देखते हैं अगर, तो आपको यहाँ पे कप होल्डर्स मिल जाते हैं, ये आपका हो गया जो थोड़ा सा जगह मिल जाती है आपको अपने ग्लव बॉक्स पे सामान वगैरह डालने के लिए। नीचे आप देखते हैं तो काफ़ी नीचे आपको USB यहाँ पे मिलती हैं दो, और ये आपका ऑक्स हो गया, इधर आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है अपना मोबाइल वगैरह आपको अगर चार्ज करना है। तो ये हो गया, इसको अब मैं बंद कर दिया है मैंने, और ये देखिए आप, तो बहुत ही एक अच्छी फ्लोइंग डिज़ाइन आती है पूरी गाड़ी में, और क्वालिटी में कहीं भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं दिखता है। इधर आप अगर लाइट्स की बात करते हैं तो लाइट्स भी देख लेते हैं इसकी, ये आपने जैसे प्रेस की तो आपकी जो लाइट्स हैं वो चालू हो जाती हैं, ये आप देख सकते हो, ये मैंने बंद कर दी है अभी, बाकी दोस्तों जो इसका डैशबोर्ड है वो खोल के देख लेते हैं। तो अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है आपको, जो आपका नॉर्मल पेपर वर्क है गाड़ी का वो सब आप डाल सकते हो, अंदर भी आप देख सकते हो कितनी बढ़िया क्वालिटी का पूरा मटेरियल आपको इसमें मिलता है, कितना मतलब एक अच्छी वाली फीलिंग जो आप बोलते हैं, एक हाई एंड वाली फीलिंग आपको इस गाड़ी में बैठ के डेफिनेटली आएगी। बाकी आपकी जो डोर के जो जो आपकी बोल सकते हैं पॉकेट्स हो गई, यहाँ पे अपना स्पेस के हिसाब से जो भी आपका ज़रूरी सामान है वो आप डाल सकते हो। सीट्स के बारे में तो कोई डाउट ही नहीं है, ऑडी है तो बहुत ही कम्फर्टेबल सीट्स आपको मिलेंगी, लॉन्ग जर्नी में आपको बहुत अच्छा लगेगा इस गाड़ी के अंदर। अब दोस्तों चलेंगे गाड़ी के पीछे, सामने से तो मैंने आपसे सब कुछ शेयर कर दिया, तो इसके बारे में पीछे से आपको मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि अंदर बैठने में गाड़ी में पीछे से कैसा लगता है, और क्या क्या फीचर्स और क्या क्या फंक्शनैलिटी आपको पीछे मिल जाती है, क्योंकि जनरली ये शॉफर ड्रिवन गाड़ी रहने वाली है। बाकी दोस्तों इस गाड़ी के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन उससे छूट गई हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कंपनी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप इसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो लेट्स गो टू द बैक ऑफ द कार।
तो दोस्तों अब मैं ऑल न्यू ऑडी A6 2018 के पीछे वाली सीट से आपसे बात कर रहा हूँ। पीछे बैठने में बहुत अच्छा लग रहा है, कोई डाउट नहीं है इसमें। और चाहे आपका लेग रूम हो चाहे हेड रूम हो, लेग रूम आप देख सकते हो, हेड रूम का भी कोई इशू नहीं है इसमें। बाकी इधर आप देखते हो तो पूरा आपको एक पीछे डिस्प्ले मिल जाता है आपकी इंटरटेनमेंट के लिए, जैसे लिखा हुआ है ऑडी इंटरटेनमेंट मोबाइल। यहाँ से अपना इंटरटेनमेंट है वो आप कंटिन्यू रख सकते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक शॉफर ड्रिवन गाड़ी जनरली रहेगी ये इंडिया में, खास तौर से ये आपकी जो सनरूफ हो गई वो आपको मिल जाती है। पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए आपको यहाँ पे मिल जाते हैं एसी वेंट्स। यहाँ से अपना एसी की जो कंट्रोलिंग है वो आप कर सकते हो। बाकी जो डोर की पॉकेट्स हैं वो एज इट इज़ जैसे आगे थी वैसे ही आपको इधर मिल जाती हैं। साथ में आपकी जो अप डाउन बटन्स हो गई ये आप देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस गाड़ी के बारे में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन में कंपनी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप इसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। साथ में मिल जाएंगे मेरे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और ब्लॉगर के लिंक्स, वहाँ जाके आप मुझसे जुड़ सकते हो। इस गाड़ी के बारे में आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई क्वेरी है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। तब तक भी दोस्तों देखते रहिए ज्ञानी इनफ, लेकर आता रहूँगा और वीडियोज़ आपके लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।